जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो भगवान की बातों पर भी चर्चा जरूर करेंगे, उन बातों का भी विश्लेषण जरूर करेंगे, क्या सच्चा है क्या झूठा हो सकता है, कहां से वो सच्चाई निकली, कितना दम है, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे, हिस्ट्री निकालेंगे पीछे की। उनकी यादगार बन गई चर्चा, चर्चा करने का स्थान, कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। कोई भी कमजोरी की बात दूसरे के कान में फुर्र करके रख देंगे, दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा, नई नई बातें, नया नया क्लेरिफिकेशन निकालते ही रहेंगे। प्रश्न भी करते रहेंगे और एक दूसरे से उत्तर भी लेते रहेंगे, परंतु उन प्रश्नों और उत्तरों और उन कॉन्फ्रेंस की बातों को वेरीफाई कौन करेगा? दुनिया में इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती आई, अपनी अपनी बोल करके चले जाते हैं, अपनी अपनी बात कह करके चले जाते हैं, फाइनल क्या होता है? वेरिफिकेशन कोई करता है? आखिरीन क्या रिजल्ट आना चाहिए वो तो पता ही नहीं चलता। जब पता ही नहीं चलता तो उसे वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? कहेंगे। कोई ने पूछा है, बाबा कहते कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाना है, परंतु ये भी तो कहते हैं कि रचना वही है जो रचयिता के कंट्रोल में रहे। अब कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाना है तो उन कन्याओं माताओं के रचयिता कौन है? इस बात में गलतफहमी हो गई है, इसलिए ये प्रश्न आया है। बताओ भाई, कन्याओं का, माताओं का रचयिता कौन है? अरे उनके रचयिता अलग अलग हैं या एक है? हैं? कौन है? अरे बोलते क्या ही नहीं, एक रचयिता है, एक ही धर्म है, एक ही कुल है, एक ही परिवार है, तो कन्याओं माताओं रूपी रचना को किसके कंट्रोल में रहना है? एक बाप के कंट्रोल में रहना है, यही इसका समाधान है। कोई समस्या आती है
कोई परिस्थिति आती है तो एक बाप से समाधान लेना है, जैसे बतावे वैसे चलना है। इसमें मुझने की बात नहीं है। अगर कोई को मुझाना आती है तो सभा में बोल नहीं सकता है तो कम से कम लिख करके दे देवे। नहीं तो रुद्रमाला का मणका अपन को समझता है तो धड़ाक से बोले बाबा लिखने वाले का मतलब है लिखने वाले का मतलब है क्योंकि रचयिता वो रचना को गायनी की जो पति जो शादी करके लाता है हाँ पत्नी रचना वो तुमको ज्ञान में लाया नहीं लिखने वाले का मतलब है लिखने वाले का मतलब है। अरे लिखने वाला ये नहीं जानता है इस ब्राह्मण परिवार में हमारा रचयिता कौन है, हमने नया जन्म लिया है या पुराना जन्म ही चल रहा है, है? जब नहीं समझता है तो यहाँ काहे के लिए, जहाँ का वो रचना है उनको लिख करके देवे, और वहाँ की तो ये परंपरा ही नहीं है कि कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाना। ये परंपरा इस ब्राह्मण परिवार की है या पूर्व जन्म की है लौकिक जन्म की है? तो लौकिक जन्म की बात, पूर्व जन्म की बात, पूर्व जन्म की परंपरा का समाधान यहाँ ब्राह्मण जन्म में क्यों पूछना? हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं या अंतिम 84वें जन्म में हैं? पहले ये पक्का करना है। हमने पुरुषोत्तम संगम युग में जन्म ले लिया है, अभी हम 4 युगों को पार कर चुके, हम ब्राह्मण हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं। जो ब्रह्मा बाप की परंपराएं हैं अब उन पर चलने वाले हैं। धरत परी है पर धर्म न छोड़िए। बुद्धि बार बार पीछे की तरफ भटक जाती है, देह के संबंधी वही रचयिता बन जाते हैं। अरे हमारा रचयिता कौन है? अगर देह का संबंधी कोई हमारा रचयिता है तो हम आत्मा है या देह अभिमानी है? देह अभिमानी है। अरे बाबा ने तो कहा आत्मा बन करके आत्मा के बाप को याद करो, तो बात भी जब करें तो आत्मा बन करके बात करना है या देह अभिमान में रह करके बात करना है? आत्मा बन करके ही बात करनी करें। बाबा महाभारत में गंधारी ने पांडु को मानती थी, धृष्टराज ने नहीं मानती। महाभारत में गंधारी ने पांडु को मानती थी, धृष्टराज ने नहीं मानता था। अपने ब्राह्मण परिवार में कौन से गंध कहते हैं जिसमें गंध भरी हुई हो, गांधारी नाम था। ये नाम कहां से पड़ा है? नहीं, अरे ब्राह्मण नाम पड़ा है तो किसके नाम पर ब्राह्मण पड़ा? ब्रह्मा के नाम पर ब्राह्मण पड़ा। तो गांधारी नाम कहां से आया है?
अरे जरूर कोई गांधार देश है। जहाँ के राजा गंदी बुद्धि वाले हैं, ग्लानी करने और कराने वाले हैं, इसलिए उसका नाम गांधारी था। गांधार देश की पुत्री वो कुरुकुल में आ गई। जिस समय आई थी उस समय महाभारत का फाउंडेशन ही नहीं पड़ा था। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन रहा। कन्याओं माताओं की बुद्धि शुद्ध होती है या पुरुषों की बुद्धि शुद्ध होती है? तो जब से वो कुरु परिवार में आई तब से कन्या माता की बुद्धि होने के कारण वो अपनत्व ही रखती थी। पांडवों को भी अपना समझती थी, परंतु उसने दिखावे के लिए पट्टा भी पहन रखा था आंखों पर। अंधे होने का नाटक करती थी। ऐसे ये भी एक नाटक था, अंदर से जितना प्यार दुर्योधन के लिए था उतना प्यार पांडवों के लिए नहीं था। इसलिए तो कृष्ण को क्या किया, अभिशाप दे दिया। तो ये साबित नहीं होता कि गांधारी का अंदरूनी प्यार पांडवों के लिए था। ये तो महारथियों के पुरुषार्थ की तौर तरीका है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के। और दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ऐसा क्यों कहते हैं? है? बताओ, ये दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ये जो कहावत है वो कभी प्रैक्टिकल में भी साबित हुई है या ऐसे ही कहावत है? है? कभी प्रैक्टिकल हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। और प्रैक्टिकल परमधाम में होता है। परमधाम की बातों का कहावत के रूप में परिणति होती है या प्रैक्टिकल इस दुनिया की बातों की कहावत के रूप में परिणति होती है? इस दुनिया की बातें। दूर देश का रहने वाला का मतलब ये नहीं है कि परमधाम देश का रहने वाला है। वो परमधाम तो देश काल परिस्थिति से
अलग बात है। वहां न काल होता है न कोई देश विशेष होता है, इस दुनिया की बात है। शास्त्रों में नाम गाया हुआ है, ध्रुव पद पाने वाले का देश कौन सा है? कंपिला क्षेत्र शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वहां नहीं आया है न आ रहा है। कहां आया है, है? कहां आया है? अरे कंपिला वासियों के सामने आया है या दूर देश वासियों के सामने आया है? जो दूर देश के रहने वाले हैं उनके लिए दूर देश का वासी आया देश पर आए। जैसे माउंट आबू एक टाइम ऐसा आएगा कि बाप का धाम परम धाम प्रैक्टिकल में बन जाएगा। लेकिन वो बीज रूप आत्माओं की बात नहीं है, उन बीज रूप आत्माओं की बात नहीं है जो हजारों पुरुषों के रूप में गाई हुई है। देह का माउंट आबू भी है, वो बेहद का परमधाम भी है, जहां सारी दुनिया की गंदी से गंदी आत्माएं आकर के इकट्ठी होती है। इसलिए आज भी सभी स्टेशनों का नाम, गांवों गांवों का नाम गंध से जुड़ा हुआ है। वो एरिया ही गंदड़े लोगों का है। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी तब तक वो गंध में डूबे रहने वाले हैं। उस क्षेत्र का नाम ही है कायमगंध, अंत तक गंध कायम रहेगा, लेकिन मन बुद्धि से न्यारे होकर रहेंगे। इसलिए शंकर का आसन कौन सा फूल दिखाते हैं? कमल का फूल दिखाया जाता है। पूछा है जब दुनिया में कयामत बरपा होगी, सारी दुनिया में कयामत बरपा होगी, तो दूर देश से रहने वाला कैसे आवेगा? मुरली में तो बोला है जब विनाश होगा तो लाखों रुपया देने के लिए तैयार होंगे तो भी आने की परमिशन नहीं मिलेगी, और हवाई यात्रा का टिकट भी नहीं मिलेगा, लाखों रुपए देंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो दुनिया वालों को नहीं मिलेगा या बाप को नहीं मिलेगा? है दुनिया वालों को नहीं मिलेगा, लेकिन बाप के लिए तो जब गाय नहीं इस समय का है, दूर देश का रहने वाला
पहले भारत देशवासियों को दूर देश का कहेंगे या विदेशी में जो लोग रह रहे हैं सागर पार सात समंदर पार उनको विदेशी कहेंगे, उनको पराया देशवासी कहेंगे। 100% पराया देशवासी कहाँ होंगे? भारत में होंगे, विदेश में होंगे। उस समय नास्तिक से नास्तिक विदेशी होंगे, वो भी बाप को पुकारेंगे। नजदीक रहना चाहेंगे। तन मन धन सब लुटावेंगे। तो आना जाना कोई मुश्किल होगा क्या? है? जो प्रश्न पैदा हो गया कि जब कयामत होगी तो दूर देश से आने वाला पराये देश में कैसे जावेगा आवेगा? उस समय आना जाना बंद कर देंगे क्या? है? बंद कर देंगे? अरे बाबा, दो आत्माएं भट्टी करने जा रही थी, पहले तो उनके युगल ने हां कर दिया और बाद में जाने से मना कर दिया, तो वो आत्माएं किस प्रकार भट्टी कर सकेंगी? कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी? है? अरे युगल हैं, तो जो युगल होते हैं उनकी 24 घंटे एक ही युगल की बात मानी जाती है या एक को दूसरे की भी बात माननी पड़ती है? है? दूसरे की भी माननी पड़ती है। दूसरे की भी माननी पड़ती है। ऐसा तो कोई युगल नहीं होगा जो अपनी ही 24 घंटे मनवाता रहे पूरे साल पूरी जिंदगी। अरे दूसरे की भी बात मानने का मनवाने का टाइम आएगा या नहीं आएगा? है? आता है। तो जब तुम्हारा टाइम आए तभी अपनी मांग उनके सामने रख दो। क्या हमारी बात पूरी करो तो हम तुम्हारी करें, तुम हमारी नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। अड़ जाओ, मिल जाएगी परमिशन। ये सिरोज कौन सा गांव है? सिरोंज। कोई मेला लगता है? गांव है, है? सिरोज के पास देवपुर मंदिर है। सब वहां नहाते हैं। दो कुंड बने हुए हैं, वहां शिव का, राम का, राधे कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। इसका ज्ञान से क्या कनेक्शन है? पहाड़ से गंगा निकलती हुई दिखाई है। ये सब बातें हैं? है? है? हा? तो अर्थ तो समझ में आ गया होगा। है? बताओ फिर।
कुंड ज्ञान जल से भरे हुए कुंड, मुख्य दो कुंड कौन से हैं? है जो बहुत प्रसिद्ध हैं, है कुंड किसे कहा जाता है? है गड्ढा होता है बड़ा, उसमें जल भरा हुआ होता है, उसको नाम कुंड देते हैं। गहराई भी होती है। तो दो कुंड ऐसे कौन कौन से हैं जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं? है? अरे हैं? विश्वनाथ ही बोलते हैं उससे, उसमें नाना ही नाम देते हैं। हाँ, एक तो है द्रौपदी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा कुंड? द्रौपदी। और दूसरा उनको याद आ रहा है, है भरत कुंड क्या? भरत कुंड में। अरे बड़े बड़े दो कुंडों के नाम बताओ। ऐसे जो ज्यादा प्रसिद्ध हैं शास्त्रों में, है? कौन सा? कोई धीरे बोल के छोड़ देता है, है? कहाँ? बड़वानी में है रामकुंड, रामकुंडेश्वर। हाँ, सभी कुंडों का ईश्वर कुंडेश्वर है। कहाँ पर है? अरे ऐसे तो ढेर कुंड है, लेकिन प्रसिद्ध कुंड शास्त्रों में। सारी प्रसिद्धि तो शास्त्रों से हुई है ना। है? बोलो। सागर होता है? सागर तो सागर है, वो कुंड थोड़े ही है। मानसरोवर तो सरोवर है, तालाब है। जैसे भोपाल का तालाब तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। वो मानसरोवर तो इतना विख्यात है जितना ज्ञान सागर विख्यात है। न सरोवर की बात है, न सागर की बात है, न नदी की बात है, कुंड की बात है। है? देवकुंड कहाँ पर है? ये तो अभी जो बताया सो सिरोज में है। हाँ,
बुद्धि जा रही है लौकिक में और स्थूल में, है बेहद की बात। एक कुंड का तार मिला, दूसरे कुंड का तार नहीं मिला बाबा। है एक कुंड का तार मिला है? एक कुंड का, एक कुंड का तो पता चलेगा कि ये द्रौपदी कुंड है। हाँ, दूसरे कुंड का पता नहीं चला। अरे सिरोज में जो दो कुंड हैं, उनमें कोई अंतर है? हाँ। क्या अंतर है? एक कुंड का पता चला है ना। अब वो अभी की बात छोड़ो, हम सिरोज कुंड की बात कह रहे हैं। वही तो, उसी में तो दो कुंड है ना बाबा। हाँ, एक कुंड का पता तो चला कि द्रौपदी कुंड है। एक द्रौपदी कुंड का पता चल गया और दूसरा कुंड दिखाई नहीं दे रहा वहाँ सिरोज में। आप सिरोज में हो के आए हैं? सिरोज के रहने वाले हैं। हाँ, तो वहाँ दूसरा कुंड नहीं है, दो कुंड है। हाँ, एक कुंड तो आपने बताया अभी तो, हमें हमारा बताया हुआ छोड़ो अभी। वहाँ की बात करो जो लौकिक में है, उसकी बात करो, सही सही बात बताओ तो सही सही जवाब मिले। तो वहाँ एक कुंड है या दो कुंड है? वहाँ दो कुंड देखने में आ रहे हैं ना, तो ये क्यों कहते हो देखने में नहीं आता है? हाँ, तो संगम युग में भी दोनों देखने में आ रहे होंगे। यज्ञ में अरे प्रैक्टिकल में लौकिक में भी होना चाहिए। चित्रकूट में जानकी कुंड है बाबा। है चित्रकूट में जानकी कुंड? जो जानकी कुंड है वो ही तो द्रौपदी कुंड है। जानकी माने सीता। चलो विचार सागर मंथन करो, बाद में फिर बताए। है फिर वो ज्वाला ज्वाला, पहले प्रैक्टिकल में तो देखो, लौकिक दुनिया में कोई है दूसरा जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हो? बाबा कोई कोई अपना विकार छुपा लेते हैं और कोई कोई अपना पूरा पोता मेल दे देते हैं, तो इनमें से कौन सही कहा जाएगा? अरे जो छुपाने वाला है वो थोड़ा ही सच्चा सही कहा जाएगा, जो बताने वाला है वो ही सही कहा जाएगा। बाबा मोर को मारने की सजा मनुष्य के मारने के बराबर क्यों दी जाती है? मोर में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी सजा देते हैं? अरे अभी तो समझाया, मोर का मिसाल, मोर की पूंछ का मिसाल कृष्ण के मोर पंख से देते हैं। जैसे मोर पंख है वो पवित्रता की निशानी है, मोर को अपवित्र होते हुए बस इंद्रियों से विकार भोगते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। वो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान, भ्रष्टाचारी संतान पैदा नहीं करता। मोर डांस करता है और मोरनी उसका आंसू पी लेती है, उसी से उसका गर्भ रह जाता है। ये एक उदाहरण दुनिया में आज तक चल रहा है समझाने के लिए। जो लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उनको समझाने के लिए ये मिसाल रखा हुआ है। आज तक भी ड्रामा में ऐसी नूद है ताकि लोगों को समझ में आए कि भ्रष्ट इंद्रियों के अलावा
शेष इंद्रियों से भी संतान पैदा हो सकती है और देवताएं शेष इंद्रियों की संतान थे, इसलिए शेष्टाचारी थे। शेष्टाचारियों की पूजा होती है, भ्रष्टाचारियों की पूजा नहीं होती है। इसलिए मान देने के लिए भारत की गवर्नमेंट ने भी मोर को इतना मान दिया हुआ है। एक ही पक्षी है, ऐसे तो शंकर जी की यादगार नीलकंठ भी है, उसको इतना मान नहीं दिया। कैं 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 की आवाज से बोलता रहता है। कंठ नीला है, कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। उसकी आवाज सुन के ही बहुत से कीड़े मर जाते हैं। ये है ही कीड़े मकोड़ों की दुनिया। शंकर को तो महादेव कहा जाता है, कृष्ण को महादेव तो नहीं कहा जाता, भले 16 कला संपूर्ण देवता है, फिर भी कृष्ण का जो सिरमौर है उसकी यादगार मोर की आज भी इतनी मान्यता है, भारत में है, दूसरे देशों में नहीं है, क्योंकि कृष्ण का पाठ भारत में चलता है। तो जिसका बहुत महत्व है उसको नुकसान पहुंचाने वाले को आज भी भारत की नास्तिक जैसी गवर्नमेंट ने भी ये कानून बना रखा है कि मोर को अगर कोई मारेगा तो उसको मनुष्य को मारने की सजा दी जाएगी। बाबा जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और माता पिता उस बच्चे को समझाते हैं परंतु वो समझता ही नहीं, तो फिर बाबा उसे समझाते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? है ये प्रश्न जो है वो लौकिक माता पिता के बारे में पूछा गया है या अलौकिक माता पिता के बारे में, पारलौकिक माता पिता के बारे में पूछा गया है? है किसके बारे में पूछा गया है? प्रश्न की लिखत से क्या साबित होता है? लौकिक के बारे में पूछा गया है। लौकिक में जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं उसको मुरली में डॉगली पढ़ाई बताया है या गॉडली पढ़ाई बताया है? डॉगली पढ़ाई माने कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। विदेशी पढ़ाई है, विदेशों में व्यभिचार फैलाया जाता है, भारत में व्यभिचार फैलाने की परंपरा नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला है कि डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़ानी। तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, खास करके वो बच्चे जिनों के बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है
जल्दी ही दुनिया का विनाश होने वाला है। तो बच्चों की बुद्धि सात्विक होती है, बच्चे महात्मा बुद्धि होते हैं या उनके माँ बाप महात्मा बुद्धि होते हैं? हैं? बच्चे महात्मा बुद्धि हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पढ़ाना नहीं है तो घर में बैठा करके माँ बाप खुद पढ़ें। बच्चे गॉडली पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या करें? बच्चे गॉडली पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने ये तो जान लिया कि भगवान का काम चल रहा है, ये तो जान लिया विनाश होने वाला है, जान लिया, ये भी जान लिया है और ये भी जान लिया है कि नई दुनिया आने वाली है। लेकिन फिर भी क्लास नहीं करते बाबा। हाँ नहीं करते तो प्रजा वर्ग में तो आ जाएंगे। ये तो जान लिया है कि हमारे माँ बाप चल रहे हैं ज्ञान में, या हमने बाबा का संदेश ले लिया है। तो जो संदेश लेते हैं बाप का, या बाप से दो अक्षर भी सुनते हैं, वो स्वर्ग में आ गएंगे या नहीं? तो तुम्हें क्या चिंता है? ये लगता है कि हमारे क्या लगता है आपको? पढ़ाई क्लास करें तो बच्चे भी पढ़ाई पढ़े, डागली पढ़ाई पढ़ के कुत्ता कुतिया बने, गॉडली पढ़ाई पढ़े, पढ़े तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़े तो देवी देवता तो बनेंगे। स्वर्ग में तो आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। आपको क्या चिंता? आपका लगाव क्यों लगा हुआ? मेरे पेट से पैदा हुए बच्चे हैं, इनको भी 108 का माला का मड़का बनना चाहिए, मैं बनू या न बनू? हाँ आप अच्छा संकल्प करिए, उनको जबरदस्ती मत करिए। जो जबरदस्ती करते हैं वो कौन से धर्म के होते हैं? मुसलमान धर्म के होते हैं। तलवार उठाई, जनेऊ उतारो, चुटिया काटो, नहीं तो खत्म कर देते थे। ये जोर जबरदस्ती करने वाले मुसलमान धर्म के होते हैं। तो कौन से धर्म का बनना है? हाँ प्यार से जब तक समझते हैं, समझो भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, सात देशों की नजर भारत के ऊपर लगी हुई थी। तो ये सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? अभी भारत सोने की चिड़िया है या पत्थर ठिक्कर भित्तर लोहे की चिड़िया है? है अभी तो पत्थर ठिक्कर भित्तर लोहे की चिड़िया बन गई, तो भी जो समझदार विदेशी हैं उनकी नजर भारत पर लगी हुई है। पहले तो वास्तव में यहाँ इतनी धन संपत्ति थी, कीमत थी, कि विदेशियों की नजर भारत पर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ धन धान्य संपन्न देश था, खूब पैदाइश होती थी, दूध घी की नदियां बहती रही,
भरपूर अनाज पैदा होता था, कीड़ों वाला अनाज नहीं, वर्षों सुरक्षित रहने वाला अनाज। ये तो विदेशियों की करामात है जो यूरिया डलवाना शुरू कर दिया। तो सोने की चिड़िया माना इतना कीमती देश था जिसकी शौहरत आकाश तक ऊंचाई तक फैली हुई थी, सब उसे अपने अंडर में करना चाहते थे और कर भी लिया। अपने अंडर में करके उसको ठिक करके सुचिड़िया बना दिया। सोने की चिड़िया माने सच्चा देश। सच्चा उसे कहा जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। झूठा उसे कहा जाता है जो आज है कल नष्ट हो जाएगा। विनाशी को झूठा कहा जाता है, अविनाशी को सत्य कहा जाता है। इसी देश में भगवान आता है। सच्चा बाप आता है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। बाबा घरवाले शादी कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं उनसे कह दूं कि मैं शादी नहीं करूंगी तो वो मुझे यहां आने से मना कर देंगे। बाबा मैं क्या करूं? बाबा तो कहेंगे शेरनी बन के रहो। क्या शेरनी किसी के बंधन में आती है क्या? हाँ, 18 साल की नहीं हुई है तो चुपचाप रहो। 18 साल से पहले शादी कर दें या कराना चाहें तो इनलैंड लेटर में एक लेटर लिखो, रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक में डाल दो, एसएसपी के पास भेज दो, शादी कैंसिल हो जाएगी। हो सकता है घर वालों को हथकड़ियां भी पड़ जाएं। 18 साल का होने के बाद चाहे जहां चले जाओ। सोने की चिड़िया है, पवित्र कन्या है तो सोने की चिड़िया है या ठिक्कर भित्तर की है? सोने की चिड़िया है। बकरियां बंधन में रहती हैं, शिव की शक्तियां कभी बंधन में नहीं रहती। बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। तो जाने वाली बात तो ऊपर से आने वाली आत्मा शिव के लिए है, उसके लिए लागू होती है। क्यों? और दूसरी आत्माओं के लिए वापस जाने की बात लागू नहीं होती। जो आया है जहां से आया है वहां वापस नहीं जाएगा? जो यहां आए हैं यही बैठे रहेंगे क्या? वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? है? जाएंगे। शिव को भी वापस जाना है और शिव के बच्चों को भी वापस जाना है। बाकी चाहे तो वापस जा सकते हैं अभी भी। ये शक्ति
बाप दादा के लिए बोली, शिव बाबा के लिए नहीं बोली। मुरली में शिव बाबा अलग आता है, ब्रह्मा बाप अलग आता है और बाप दादा अलग आता है और शिव बाप अलग आता है। इन सब शब्दों का अलग अलग अर्थ लागू होता है। तो बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, शिव बाप चाहता है तब वापस जाता है आता है, या ड्रामा के प्लान अनुसार आता है और जाता है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए होने के कारण आता जाता है। उसकी चाहना है, शिव की चाहना होती है क्या? शिव की तो इच्छा ही नहीं होती, उसकी तो इच्छा मात्रम विद्या। तो कौन सी आत्माओं के ऊपर ये बात लागू होती है? बाप दादा है राम और कृष्ण वाली आत्माओं के ऊपर लागू होती है। वो इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं जो एक ही जन्म में साधारण सिपाही से भारत के सम्राट बनकर के बैठ जाते हैं। साधारण गड़रिये की संतान से बकरी भैंस चराने वाले बच्चे के रूप से बदल करके भारत का सम्राट चंद्रगुप्त बनकर के बैठ जाते हैं। एक ही जन्म में इतना तीव्र पुरुषार्थ कर लेते हैं, उनके लिए लागू होती है कि वो चाहे तो परमधाम अभी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन क्यों रुके हुए हैं? है? बच्चों के लिए रुके हुए हैं, बच्चों को भी वापस जाना है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। वो तो माता पिता की संतान है, माता पिता का घर जल रहा हो और बच्चे उस घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे जल रहे हो, तो जो सच्चे माँ बाप होंगे वो छोड़ करके भाग जाएंगे क्या? है नहीं, पहले बच्चों को बचाएंगे। बच्चा बाप का प्राण होता है, इसलिए बोला कि बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसी चाहना कर नहीं सकते क्योंकि उनका विशेष पार्ट है माता पिता का। और जम्मू कश्मीर में वैष्णवी का मंदिर है और एक सटोलिया में भी हूबहू वैष्णवी का मंदिर है। ये सटोलिया क्या होता है? सुटालिया। सुटालिया माने गांव का नाम है। अच्छा, मुरली ने बोला है कि जहां जहां प्रैक्टिकल पार्ट चले हैं थोड़े या बहुत, वहां वहां यादगार मंदिर बनाया जाता है। अभी तो संपन्नता के पार्ट ही नहीं बजे हैं, संपूर्णता और संपन्नता की यादगार बनती है। अभी तो अधूरे पुरुषार्थ चल रहे हैं। ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ जिसका है उसका मंदिर सबसे ऊंचाई पर पहाड़ पर बनाया गया है अमरनाथ।
उसके बाद दूसरा नंबर जिसका पुरुषार्थ में है, जो नारी से लक्ष्मी बनता है या महालक्ष्मी बनता है, उस आत्मा का यादगार मंदिर अमरनाथ पहाड़ से नीचे की ओर बना हुआ है। कौन से क्षेत्र में बना हुआ है? जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्बूद्वीप बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में। वैष्णो देवी का बहुत बड़ा मेला लगता है। जरूर भगवान बाप से सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया है। तो मेला भी लगता है, मंदिर भी बना हुआ है। सुटोलिया में भी कोई पार्ट चलने वाला होगा, छोटा या बड़ा, थोड़ा या ज्यादा, तो मंदिर यादगार बना हुआ है। है अभी 2007 से बन रहा है, लास्ट में बन रहा है। तो जब लास्ट प्रत्यक्षता होगी उसकी यादगार में, यहां भी लास्ट में बन रहा है। ओम शांति।